हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेकर के, जो आप अपना स्कोर चेक कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो। तो दोस्तों अपना स्कोर चेक कीजिए, आपने जो भी पढ़ा होगा। तो डेली बेसिस में इसका प्रैक्टिस करा रही हूँ। सेट एक का अभ्यास 7 है, इस तरह के सेट 15 से 16 हैं, प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। कुल मिलाकर के 3 से 4 हजार क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी सेट को आप पूरा कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। और यदि आप थ्योरी सेशन देखना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज मेरे चैनल पे सभी थ्योरी सेशन हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और अपना स्कोर चेक कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। तो चलते हैं 50 क्वेश्चंस का आज का सीरीज लगाते हैं और आप सबका स्कोर देखते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम महासचिव बने। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को बनाने वाले थे 23 जून 1894 में पेरिस के सर्वोर नामक स्थान पर बना था। इसका मुख्यालय है लोसाने स्विट्जरलैंड। इसके प्रथम मंत्री इसको बनाया था बैरन पियर डी कुबर्टिन ने, आधुनिक ओलंपिक को शुरुआत करने के लिए। तो प्रथम मंत्री यानी प्रथम सचिव इसके बने पियर डी कुबर्टिन। पियर डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का पितामह कहा जाता है। और 6 अप्रैल 1896 में एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल स्टार्ट हुआ। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि जो आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे श्री बाइक्लास थे, एंड वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बाक जर्मनी के। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और बात ध्यान रखना है कि आईओसी में एक अध्यक्ष होते हैं जिसका चुनाव 8 वर्ष के लिए होता है, और 2 उपाध्यक्ष होते हैं जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 7 कार्यकारी बोर्ड के सदस्य होते हैं जो 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, 2021 कौन सा ओलंपिक है। दोस्तों जो 2021 यानी 2020 का जो ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में होना था वो आपका 2021 में हुआ था कोरोना के कारण। तो कौन सा ओलंपिक था दोस्तों, तो 2021 जो है आपका 32वां ओलंपिक था। कौन सा ओलंपिक था, 32वां ओलंपिक था। 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। कितने, 7 पदक, 1 स्वर्ण 2 रजत 4 कांस्य पदक। 1 स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता, और 2 रजत पदक में मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टर में और रवि कुमार दहिया कुश्ती में जीते, और 4 कांस्य पदक में एक लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में, दूसरा पीवी सिंधु बैडमिंटन में, तीसरा बजरंग पुनिया कुश्ती 65 kg फ्री स्टाइल में, एंड चौथा भारतीय हॉकी टीम ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 31वें ओलंपिक 2016 कहां आयोजित हुए थे। तो 31वें ओलंपिक 2016 जो है रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने 2 पदक जीता था, 1 रजत और 1 कांस्य। 1 रजत पदक जीता था, 1 रजत पदक पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था, और 1 कांस्य पदक साक्षी मलिक कुश्ती में जीती थी, और उसमें आपका क्वालिफाई किया था जिम्नास्टिक में दीपा कर्माकर, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 28वें ओलंपिक खेल 2004 कहां पे संपन्न हुए थे। तो दोस्तों एथेंस यूनान में संपन्न हुए थे। आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम ओलंपिक 1896 प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 भी एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में हुआ था। उसके बाद 2004 28वां ओलंपिक भी एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था। तो प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था,
प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 जो एथेंस के पैनाथोनिक स्टेडियम में हुआ था, इसमें कुल 13 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने भाग लिया था? 13 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है 28वें ओलंपिक खेल 2004 एथेंस में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 28वें ओलंपिक 2004 एथेंस में 202 देशों ने भाग लिया था। कितने? 202 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है महिलाओं को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति कब मिली दोस्तों? तो 1900 पेरिस फ्रांस में मिला। नेक्स्ट है सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाना क्या है? यह प्रत्यावर्तन यानी सर्कमट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथियों को मुख्यतः निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में विभाजित किया गया है, अग्रपाली और पश्चपाली, यानी नीरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस। नीरो हाइपोफाइसिस यानी अग्रपाली से 7 हार्मोन्स स्रावित होते हैं और एडिनो हाइपोफाइसिस पश्चपाली से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एंटी डायुरेटिक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है और एक ऑक्सीटोक्सिन। इसके बारे में डिटेल में ग्रंथि वाले वीडियो में बताई हूँ। और पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, प्रमुख ग्रंथि है, अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर यह नियंत्रण करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों डेल्टॉयड मसल्स निम्न अंग से संबंधित है। तो डेल्टॉयड मसल्स किससे संबंधित है, किस अंग से? तो डेल्टॉयड मसल्स जो है यह कंधे के ऊपरी हिस्से की मांसपेशियों से जुड़ी, कंधे के ऊपरी हिस्से की मांसपेशी है डेल्टॉयड। यह हमारा लिफ्टर मसल्स भी बोला जाता है, लिफ्टर मसल्स। नेक्स्ट है बाइसेप्स की उत्पत्ति निम्न में से कहां से होती है? जैसा कि जो हमारा बाइसेप्स मसल्स होती है हमारे ह्यूमरस हड्डी के ऊपर होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहां पे होती है? स्कैपुला यानी जो स्कंधास्थि है, स्कैपुला है उसके ऊपरी हिस्से से इसकी उत्पत्ति होती है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स दोनों की। बाइसेप्स जो है ह्यूमरस हड्डी के ऊपर होती है और ट्राइसेप्स जो है ह्यूमरस हड्डी के नीचे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्राइसेप्स की उत्पत्ति निम्न में से कहां पे होती है? तो यह ह्यूमरस हड्डी के नीचे होती है और इसकी उत्पत्ति ह्यूमरस हड्डी की ऊपरी भाग पर जो मांसपेशी रहती है उसके पिछले भाग से इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियां निम्न प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों मसल्स जो है तीन प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक और हृदय पेशियां यानी कि वॉलंटरी इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल्स। नेक्स्ट शरीर में जिस जगह दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं वह भाग क्या कहलाती है दोस्तों? तो वह भाग ज्वाइंट यानी जोड़ कहलाती है। दो या दो से हड्डियां जो है अधिक हड्डियां एक जगह पर जुड़ती है जोड़ों पर, तो उसको जोड़ने वाला कौन होता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ों पर लिगामेंट जोड़ता है और मसल्स को रेखित पेशियों को हड्डियों से टेंडन जोड़ता है। नेक्स्ट शरीर में संवहनीय ऊतक वैस्कुलर टिश्यू निम्न प्रकार के होते हैं। तो यह आपका दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा तनाव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी गई हैं, यह कथन किसका है? इसमें दोस्तों आपका परिभाषा भी बहुत ज्यादा पूछता है, तो आपको परिभाषाएं भी याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे जहां पे लक्ष्य को लेकर चुनी हुई शब्द चुनना शब्द आ जाए, ठीक है, और शारीरिक क्रियाओं शब्द आ जाए, तो मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं, यहाँ पे सारी शिक्षा तनाव की सारी क्रियाओं से उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी हुई हैं, यह कथन दोस्तों है जेएफ विलियम्स का। किसका है कथन यह? जेएफ विलियम्स का। जैसे कि दोस्तों शारीरिक
शिक्षा का अर्थ परिभाषा वाले वीडियो में, परिभाषा वाले आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो जितने भी सारे शिक्षा से संबंधित इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन है, उसको मैंने एक ट्रिक के साथ बताया है। एक बार उस वीडियो का आप देख लेंगे तो परिभाषा से रिलेटेड सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप ट्रिक के माध्यम से उसको हमेशा सही टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, सार्वजनिक शिक्षा उन पूर्ण तजुर्बे व भावों का जोड़ है जो कि व्यक्ति को बड़ी मांसपेशियों की कसरतों में भाग लेकर प्राप्त होते हैं, अतः ये हमारे वृद्धि विकास को विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है ब्राउन बैल का, ब्राउन बैल का ये कथन है। ये क्या कह रहे हैं कि सारी शिक्षा उन पूर्ण तजुर्बे व भावों का जोड़ है या संतुलित अनुभवों का जोड़ आ जाएगा, और व्यक्ति को मौलिक मांसपेशियों की कसरतों में भाग लेकर प्राप्त होते हैं, अतः ये हमारे वृद्धि विकास को करते हैं। तो जहां पे वृद्धि विकास शब्द आ जाए, या वृद्धि विकास को चरम सीमा तक बढ़ाने की बात आ जाए, या संतुलित अनुभवों का जोड़, ठीक है, संतुलित अनुभवों, अनुभव को हम तजुर्बा कहते हैं दूसरी भाषा में, ठीक है, उन पूर्ण अनुभवों या तजुर्बों का जोड़ और मांसपेशी कसरत शब्द आ जाए, वृद्धि विकास को चरम सीमा तक पहुंचाने के शब्द आ जाए, वो आपका है ब्राउन वेल की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक शिक्षा शिक्षा की विधि का अटूट अंग है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक तौर पर योग्यशाली बनाना है। सारी क्रियाओं का चुनाव इसके उद्देश्यों को देखभाल किया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है चार्ल्स ए बूचर का। जहां पे संपूर्ण शिक्षा की प्रबंधन का एक अभिन्न अंग की, अभिन्न अंग, अटूट अंग शब्द देखते ही आप ब्राउन चार्ल्स ए बूचर पर चले जाइएगा। जहां पे अटूट अंग शब्द आ जाए वहां पे आप चार्ल्स ए बूचर को टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा उन पूर्ण तजुर्बे व भावों का जोड़ है जो व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा ग्रहण करता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यहां भी आपको ध्यान में रखना है, पूर्ण तजुर्बा मतलब अनुभवों का जोड़, पूर्ण तजुर्बा या अनुभवों का जोड़ है जो कि व्यक्ति की क्रियाओं का, व्यक्ति की क्रियाओं का या प्रक्रियाओं का या व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया का ग्रहण करना या प्राप्त करना शब्द आ जाए, तो आपका हो जाएगा डी आबर्ट यूफर का यह परिभाषा है। अगर वहीं पे कहा था कि व्यक्ति के भीतरी अनुभव के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तन, तो वहां पे हो जाता आपका रोजालैंड कैसिडी की परिभाषा। लेकिन जब अनुभवों का सामूहिक प्रभाव शब्द आ जाए या तजुर्बे भावों का जोड़ आ जाए और उसके साथ साथ व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया या व्यक्ति की क्रियाओं का ग्रहण, ये आपका ओबर्ट यूफर की परिभाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के भीतरी अनुभवों के कारण व्यक्ति विशेष में होने वाले परिवर्तनों का कुल जोड़ को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है कैसिडी का, रोजालैंड कैसिडी का यह कथन है। जहां पे भी भीतरी अनुभव शब्द देखिएगा और व्यक्ति विशेष में होने वाला परिवर्तन का जोड़ देखिएगा, वहां रोजालैंड कैसिडी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना और उसका संरक्षण करना। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों डॉक्टर एम सिद्धलिंगैया का। शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना है, उसका और संरक्षण करना है। यह कथन किसका है? डॉक्टर एम सिद्धलिंगैया का। नेक्स्ट है, विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम कराते समय निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है स्वास्थ्य संबंधित तथ्य, इस पे तो ध्यान रखना ही चाहिए। लिंगीय विभिन्नताएं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चों की शारीरिक दशाएं कैसी है, स्वस्थ है कि अस्वस्थ है कि कैसे हैं, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से व्यायाम से होने वाला लाभ क्या है? ऑप्शन है आत्मविश्वास में वृद्धि। दोस्तों व्यायाम करने से डेली बेसिस पे आप करते हैं तो आप में अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस की डेवलप होता है। एंड स्मृति में वृद्धि, तो इसमें आपका याददाश्त भी बढ़ता है। फिजिकल फिटनेस में वृद्धि तो होता ही है, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षण है। तो शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग परीक्षण क्या है दोस्तों? यह बुद्धि परीक्षण इंटेलिजेंस टेस्ट के अंतर्गत आता है। दोस्तों सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया था अल्बर्ट बिने ने 1905 में, और आईक्यू सबसे पहले आईक्यू को दिया था स्टर्न ने। आईक्यू परीक्षण यानी कि बुद्धि का मापन किया था, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले बुद्धि का मापन तो बिने ने किया था, लेकिन आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंट क्वेटेंट जो सूत्र दिया था एमए अपान सीए गुणे 100 उसको दिया था टर्मेन ने, नेक्स्ट है नियतांश प्रतिदर्श कांस्टेंट सैंपलिंग किसके माप किसके समान है? तो यह स्टैटिक यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आपका क्वेश्चंस है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें बस क्वेश्चन का आंसर बताते जाऊंगी। तो यहाँ पे आपका है इसका आंसर गुच्छ प्रतिदर्श यानी कॉस्टोर सैंपलिंग। ठीक है, नियतांश प्रतिदर्श यानी कांस्टेंट सैंपलिंग किसके समान है? गुच्छ प्रतिदर्श के समान है। नेक्स्ट है प्रतिदर्श की पर्याप्तता किससे निर्धारित होती है? तो यह समष्टि के आकार से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी परिकल्पना एक गुच्छ परीक्षण द्वारा जांची जाती है? तो यह आपका परीक्षण दुश्चिंता में लड़के लड़कियों के बीच अंतर होता है उसको मापता है। ठीक है, परिकल्पना एक पुच्छ परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है, क्या जांचा जाता है? यह परीक्षण दुश्चिंता में लड़के लड़कियों के बीच अंतर को मापा जाता है। नेक्स्ट है संक्रियात्मक चर निम्न में से किसे सुकर बनाते हैं? संक्रियात्मक चर निम्न में से किसको सुकर बनाते हैं? तो संक्रियात्मक चक्र निम्न में से किसको सुकर बनाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा सांख्यिकी परिकल्पना को। किसको बनाते हैं संक्रियात्मक चक्र सुकर? तो सांख्यिकी परिकल्पना को। नेक्स्ट दोस्तों कि एक मार्गी इनोवा वन वे इनोवा द्वारा 20-20 छात्रों वाले चार समूहों की उपलब्धियों की तुलना की गई। यहां समूह के भीतर के स्वतंत्र अंश होंगे, तो इसमें स्वतंत्र अंश होंगे आपका चार स्वतंत्र अंश होंगे। कैसे होंगे, क्या प्रकार होंगे, इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो अभी आप चिंता मत कीजिए, जो है उसको देखते चलिए, बस सही आंसर। नेक्स्ट अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान का परिणाम है। तो किसी भी अनुसंधानात्मक अनुप्रयोग का अनुसंधान का परिणाम हमेशा क्या होता है दोस्तों? आविष्कार यानी कि इन्वेंशन होता है। नेक्स्ट है दो चरों के बीच के सह संबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान 0.5 है, तो इसका आशय क्या है? इसका आशय है दोस्तों कि एक चर में 50% अंतर की व्याख्या दूसरे में उपस्थित अंतर से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षण की अर्धविभक्त विश्वसनीयता यानी स्प्लिट हॉफ मेथड जो विश्वसनीयता रिलायबिलिटी होती है कई प्रकार की होती है, तो 0.6 है अर्धविभक्त विश्वसनीयता जो है 0.6 है। जब इसे पूर्ण परीक्षण के लिए बढ़ाया जाएगा तब विश्वसनीयता का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें आपका मान हो जाएगा 0.9। नेक्स्ट दोस्तों व्यक्तित्व अध्ययन एक प्रकार से है। तो व्यक्तित्व अध्ययन एक प्रकार से सर्वे अध्ययन है। क्या है? सर्वे अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वर्णनात्मक अनुसंधान सम्मिलित नहीं करता है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान किसको सम्मिलित नहीं करता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है एक्स पोस्ट फैक्टो अध्ययन को सम्मिलित नहीं करता है। और सम्मिलित किसको करता है, यह आपको सर्वे अध्ययन को, अंतर कौशिक अध्ययन को, विकासात्मक अध्ययन को सम्मिलित करता है वर्णनात्मक अनुसंधान, लेकिन चौथा ऑप्शन को सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट है विशेष ओलंपिक के प्रतिभागी कौन कौन होते हैं दोस्तों। तो विशेष ओलंपिक में आपके शारीरिक मानसिक विकलांगता से ग्रस्त बच्चे और वयस्क लोग सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने विशेष ओलंपिक की मेजबानी की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में विभिन्न इवेंट्स में जेसी एवेंस द्वारा चार पदकों की जीत की बराबरी किसने की दोस्तों। तो जेसी एवेंस की ओलंपिक में चार पदकों की बराबरी जो है वो आपका कार्ल लुईस ने किया था। यहाँ कार्ल मार्क्स नाम दे दिया है, गलत नाम दिया है, कार्ल मार्क्स नहीं होगा, कार्ल लुईस होगा, ठीक है, कार्ल लुईस होगा। जैसे कि दोस्तों कार्ल लुईस ने 1984 लॉस एंजलिस अमेरिका ओलंपिक में चार स्वर्ण पदक 100-200 मीटर दौड़ में, लंबी कूद में और 4x100 मीटर रिले में, इन चारों में मिला करके चार स्वर्ण पदक जीता था। और इस चार स्वर्ण पदक की बराबरी फिर 1936 में जेसी ओवेंस ने इन्हीं चार इवेंट में 100-200 मीटर दौड़, लंबी कूद, 4x100 मीटर रिले रेस में चार स्वर्ण पदक जीतने की बराबरी की। नेक्स्ट दोस्तों अटलांटा ओलंपिक ने क्या चिन्हित किया। तो अटलांटा ओलंपिक जो 1996 में हुआ था अमेरिका में, तो यह जैसे कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ था, तो अटलांटा ओलंपिक जो अमेरिका में हुआ था वो 1996 में हुआ था। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक का 100 वर्ष अटलांटा ओलंपिक 1996 में पूरा था। तो यह क्या चिन्हित करता है, यह आधुनिक ओलंपिकों की शतवार्षिकी को पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, यह निम्नलिखित वाक्य किसमें शामिल किया गया है दोस्तों। तो यह यूनेस्को के घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है प्राचीन ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग खेल का प्रथम विजेता कौन था, तो ओनो मास्टोन था, ठीक है, कौन था, ओनो मास्टोन था। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन क्रेसमर का मिश्रित वर्गीकरण है, जैसे कि क्रेसमर ने बॉडी टाइप को पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक तीन भागों में डिवाइड किया है, और इन तीनों का जो विशेषता, जिसमें तीनों का विशेषता मिश्रित होता है, मिलता है, उसको हम कहते हैं डायस प्लास्टिक। इन्होंने एक चौथा बॉडी टाइप भी बनाया जो तीनों की विशेषता पाया जाता है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक का, उसे हम कहते हैं डायस प्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण है, तो सेल्डन ने बॉडी टाइप को एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक तीन भागों में बांटा है, तो ये सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वासी ओर्कर को ठीक करने के लिए निम्न में से कौन आवश्यक है, तो दोस्तों क्वासी ओर्कर और मरास्म से दोनों रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से, जब प्रोटीन की कमी से होता है तो इसको ठीक करने के लिए प्रोटीन ही आवश्यक होगा। नेक्स्ट है किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य होता है, तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य मूल्य होता है प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 60 से 100 mg, प्रत्येक 100 ml प्लाज्मा में 60 से 100 mg। नेक्स्ट दोस्तों एसिटाइल कोलाइन स्नायु कोशिकाओं में पेशी कोशिकाओं के साथ संपर्क को एक स्थल पर अनुमति प्रदान करता है, वह स्थल क्या कहलाता है, तो दोस्तों यह स्थल कहलाता है तंत्रिका पेशी संधि स्थल, यानी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है, सिस्टम नहीं, ठीक है, तंत्रिका पेशी संधि स्थान, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि दोस्तों न्यूरॉन और मसल्स दोनों एक साथ जुड़ते हैं, न्यूरॉन से जो एसिटाइल कोलाइन होता है वो वहां से तंत्रिकाओं को एक्शन पोटेंशियल को मांसपेशियों में भेजता है, जो विद्युत आवेग होते हैं, और जब वहां पे भेजता है तभी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो एक्शन पोटेंशियल होता है
वो जब भेजता है मसल्स में, तो उसको मापने के लिए इलेक्ट्रोमायोग्राफी का उपयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, यानी कि तंत्रिका पेशी का जो संधि स्थल है क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा की मात्रा निम्नलिखित में किसमें काफी होती है, तो वसा उत्तक में, एडिपोज उत्तक टिश्यू में होता है। निम्न में कौन पेशियों की आधारभूत इकाई होती है, तो दोस्तों पेशियों की आधारभूत यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो मसल्स फाइबर यानी कि मायोफाइबिल में पेशी तंतु होती है, कौन होती है, पेशी तंतु मायोफाइबिल होती है। नेक्स्ट है पेशी तंतुओं में विद्यमान प्रोटीन का नाम है, तो पेशी तंतु में दोस्तों एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्टिन और मायोसिन दोनों। नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तक की आधारभूत इकाई क्या है, दोस्तों जो हमारी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ण को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है, तो वर्ण को ठीक करने के लिए इसमें प्रोटीन की आवश्यकता होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए कि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे, और इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।